ये हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि सतेंद्र जैन जी आप बड़े आराम से आप ईडी को बता दीजिए कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और सारी दुनिया को पता है कि जो पैसा है सतेंद्र जैन जी कोई खुद मुख्यमंत्री तो नहीं, आम आदमी पार्टी के सब कुछ तो नहीं, वो कोई संस्थापक सदस्य भी नहीं, सिर्फ सत्येंद्र जैन जी को इस्तेमाल किया था चार्टर्ड अकाउंट होने की वजह से, आर्किटेक्ट होने की वजह से, पैसे को ठिकाने लगाने के लिए, ब्लैक मनी को इधर उधर पहुंचा के वाइट में कन्वर्ट करना, वाइट मनी लेके ब्लैक में कन्वर्ट करना, ये सब सारे काम सत्येंद्र जैन जी देखते थे। और एक ही नहीं, कम से कम सैकड़ों लोगों के साथ उनका ये इन्वॉल्वमेंट था। पैसे को इतने हजारों करोड़ों रुपया जो आता है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता उसको सेटल, 10 ही 20 ही 30 ही उनके जानने वालों के पास पैसा रखना, उनसे वाइट लेना, ये सब करते रहे। तो जब तक ये पूरी जांच ठीक से पता नहीं लग जाती तब तक ईडी छोड़ने वाली नहीं है। और अब कोर्ट की जब बात है, कोर्ट, मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रभावित नहीं होती है। उसको सही साक्ष्य दे दीजिएगा, बिल्कुल पाक साफ है, वो 2 मिनट में आपको जमानत देगी। लेकिन अगर आप पाक साफ नहीं है और पता है उनको इतनी सारी गड़बड़ है, तो अब कोर्ट ने भी वही संज्ञान लिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। क्योंकि जेल तो निश्चित है, वो निश्चित इसलिए है क्योंकि गलत काम किए हैं। अब गलत काम में इन्वॉल्व कितने लोग हैं वो सब पता करने के लिए सब चल रहा है, और लगभग सब लोगों को पता है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व जो उनका है आम आदमी पार्टी का, वो सबसे पहले इन्वॉल्व है, चाहे उसमें केजरीवाल जी, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मुनीष सिसोदिया जी हो, ये सब लोग टॉप लेवल के लोग हैं जिनके माध्यम से हर चीज़ होती है। तो मुझे लगता है पैसे का लेन देन भी उन्हीं के माध्यम से हुआ होगा, और वो ईडी आने वाले समय में सब जांच कर लेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। एटीट्यूड में बताता रहूँ, जितने जल्दी ईश्वर किसी को कुछ देता है उसके अंदर उतना ही अधिक एटीट्यूड है। जो अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने काम से बनता है, उसे बहुत ज़्यादा घमंड और गौरव नहीं होता है किसी चीज़ का। वो जो धीरे धीरे बनता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी उस अहंकार में नहीं रहता, वो अपने देश के लिए समर्पित होता है इसलिए काम करता है, इस अहंकार में नहीं रहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन क्योंकि इन लोगों को ईश्वर ने समय से पहले दिया, इसलिए इन लोगों ने ये सब अहंकार में डूब के ये सब काम किए और पाप का घड़ा फूटा। तो कहते हैं कि भाई अगर भाजपा या कोई भी मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति करता है तो आप ज़रूर उनको पकड़वाइए। बार बार बात करते हैं कि वो गृह राज्य मंत्री जी के बेटे को, भाई कानूनी कार्रवाई चल रही है, जेल में भी रहे वो, उसके बाद जब सब चीज़ें क्लियर होंगी सब चीज़ दिन आएगा, अगर गलत होंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जरा सी बात में पार्लियामेंट में सवाल पूछने के उस पर भी लोग सस्पेंड कर दिए गए। आप ताज़ा ताज़ा नूपुर शर्मा जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि हमारे देश में किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए ये एक्शन लिया गया। अगर हम अपने धर्म का सम्मान करें, पूरी तरह सम्मान करें, और आपके धर्म को अगर कोई धक्का पहुंचाता है या गलत बात करता है तो आप उसके खिलाफ भी 2 शब्द बोल लीजिए, लेकिन धर्म के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए बोलिए जिसने गलत बात बोली है। तो धर्म सबका जो है वो रिस्पेक्टेबल है, और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमने नूपुर शर्मा को साथ के साथ सजा दी, जो पार्टी सजा दे सकती है, और कोर्ट के थ्रू भी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब भी टाइम के साथ होंगी। तो इन्हें क्या ऐतराज़ है, इन्हें ऐतराज़ इसलिए है कि जैसे जैसे हवाम में नंगे होंगे तो इन सबका नंबर भी आना है, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, क्योंकि इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया इलेक्शंस के टिकट्स में और दारू के ठेकों में।